हेलो मेरे दोस्तों, आज बताएंगे कि वी शेप V8 दाढ़ी को कैसे सेटिंग करना है। तो ये मेरा रहा फाइनल V8 सेटिंग, और कैसे करना और किस टाइप की करना है आप लोगों को पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना अगर सीखना चाहते हैं तो, और काम पे ध्यान जो है आप लोग पूरा फोकस करके देखना, ताकि आप लोग कहीं भी दिक्कत नहीं हो समझने में। तो यहाँ चलते हैं काम की ओर। यहाँ पर जो है आप लोग को इस प्रकार से एक कोण बनाना है ऊपर में कान के बगल में, और एकदम कान के बराबर रखना है आप लोग को। इस टाइप से शेप देना है, और पूरे काम आप लोग को पूरा लास्ट तक देखना, ताकि आप लोग को समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं हो। और कैसे काटना है आप लोग को पूरे आसान तरीके से बताएंगे। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो 100% आप लोग सीख जाएंगे। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, और काम पर आप लोग पूरी तरीक़े से ध्यान देना। और कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आप लोग को हम हेल्प कर सकें और बता सकें। कि आप देख रहे हैं पूरे तरीके से एकदम सिल्की लाइनिंग दिए हैं, और एकदम पूरे कोन बनाए ऊपर में। तो इस प्रकार से जो है दोनों साइड सेम करना है आपको काम, और लाइनिंग जो जैसे हम किए हैं उस साइड सेम उसी प्रकार से इस साइड भी काम करना है आपको। और जो मूछ है, मूछ पे जो है वहाँ पर एकदम हल्का से लेना है। और जो लाइनिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं इस साइड भी हम कान के ऊपर से लिए हैं, और कान के एकदम बराबर लिए हैं, जो कान है उसके बराबर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है जो मूछ है, मूछ पे एकदम हल्का से लेना है, ताकि यहाँ पे एक फिनिशिंग निकल गए। बस इतना ही से करना है काम। और उसके बाद जो है अब बेड को कैसे कटिंग करना है, जो कि वी शेप में निकल गए बाल, हम आपको ये बताएंगे। उससे पहले हम मूछ को जो है सेटिंग कर देंगे, और जो भी ओट पे या लिप पे जो भी बाल है उसको आप रिमूव कर देंगे पहले इस तरीक़ा से। और ध्यान रखें कि जो लिप का जो है वो लाइनिंग है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार से आप दोनों साइड से को कर लेंगे। जो मोच जो है तो उसको हम लास्ट में सेटिंग करेंगे पूरे तरीक़ा से। तो ये जो साइड का जो बाल है उसमें हम 4 नंबर क्लिप करेंगे प्रयोग, और इस तरीके से कान के साइड से तिरछा में आपको कटिंग करना है इस प्रकार से, ताकि जो आगे के बाल वो कटे नहीं और शेप बनाने में कोई तरह की परेशानी नहीं होती। इस प्रकार से कटिंग करना है। उसके बाद जो है जो गाल पर का जो भी बाल है इस टाइप से मूछ के ऊपर से, और जो हड्डी है गाल का उसके ऊपर जो भी बाल है इसको आप 4 नंबर क्लिप से कटिंग कर दें। और जो मूछ है मूछ को हम बाद में सेटिंग करेंगे, इससे पहले ये फिनिश कर लेंगे। दोनों साइड ध्यान रखना है आप लोग को, सेम बराबर प्रोसेस करना है। और जैसे हम इस साइड किए हैं सेम उसी प्रकार से दूसरी साइड भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि वी शेप जो है वहाँ पर कोई तरह की परेशानी नहीं हो रही है। तो बचा हुआ है मूछ को फिर से साइड करेंगे, और दूसरी साइड से भी सेम उसी प्रकार से हम कटिंग करेंगे। ये कट चुका है, और जो फिर जो गाल पे जो भी बाल हैं उसको पहले कहाँ से काटना है इस प्रकार से, यहाँ से रखना है कोन पर से जो गाल की हड्डी है, और मूछ के ऊपर से आप लोग कटिंग करना है, एक लाइनिंग बना लेना है, इस तरीके से कटिंग कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लें कि दाढ़ी जो है पूरे वी शेप में आपको दिख रहा होगा। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर फिर कैसे कटिंग करें, जो कि वी शेप में कोई तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए और एक बेहतरीन डिजाइन आए। इसके लिए आप लोग सामने से पहले देख लें कि दोनों साइड जो ऊपर जो गाल पर जो शेविंग किए हैं, जो राउंडिंग जो किए हैं ऊपर का, तो बराबर है या नहीं है। बराबर कंप्लीट है। चलते हैं साइड से, साइड से देखते हैं। साइड से भी पूरे तरीके से वी शेप बन चुका है। दूसरी साइड भी देख लेते हैं, दूसरी साइड भी देख लें, यहाँ पे पूरे कंप्लीट है। अब यहाँ पे चलते हैं तो नीचे से जो कटिंग करना है वो कैसे करना है, जो कि सॉलिड कोई भी दूरी से भी देखें तो वी शेप दिखना चाहिए। इसके लिए आप लोग गाल का जो हड्डी है यहाँ पर उसके नीचे से थोड़ा सा नीचे से लेना है आप लोग को, और इस जगह जो देख रहे हैं आगे में यहाँ पर एकदम बराबर होना चाहिए नीचे से, ताकि जो दूरी से भी दिखे तो वी शेप दिखना चाहिए यहाँ पर। इस तरीके से कटिंग करने के लिए आप लोग इस तरीके से हड्डी के थोड़ा सा नीचे से आप लोग को इस प्रकार से कटिंग करेंगे, यही शेप में आपको कटिंग करते हुए आगे चले जाना है। ये कटिंग हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद फिर ब्लेड से आप यहाँ पे जो भी बाल एक्स्ट्रा बाल है उसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है साइड में, जो है साइड में शेप देना है कान साइड से, उसमें हल्का सा ब्लेड मारना है, ताकि जो शेप है वो बराबर दिखे और पूरे प्रॉपरली एकदम फ्रेश कटिंग निकल का है। इसलिए साइड से भी आप लोग फिनिशिंग कर, जो पतला वाल है या जो बेबी हेयर है इसको फिर से रिमूव कर दें साइड से इस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान से देख लें आप लोग, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे कोना भी बना सकते हैं, बट इस बेड में जो है कोन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर गोलाई आप लोग रखें। और दूसरी साइड जो यहाँ पर देख लें, इस साइड से हम शेविंग कर चुके हैं, जो एक्स्ट्रा वाल है इसको आप लोग इस तरीके से पूरे नाप लें। अब देख रहे हैं पूरे बढ़िया बराबर हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे कटिंग को बराबर कर दें, और यहाँ पूरे तरीके से मैच्योर मिला देना है। और जो भी खराब बाल इसमें बच गया है उसको आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं दोनों साइड से।
और एक ही बाल यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, बराबर होना चाहिए। और जो भी बाल एक्स्ट्रा बाल जो खड़ा बाल है या जो बाल निकला हुआ है उसको आप इस तरीके से कटिंग कर दें वहाँ पे। उसके बाद दूसरी साइड देखना है, दूसरी साइड जो भी बाल है उसको भी आप कटिंग कर दें। और उसके बाद जो है फाइनल कटिंग देख लें, जो कि हेयर और बियर्ड दोनों हैं, जो कि हम हेयर का जो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर और लाइक कमेंट शेयर तीनों कीजिए, ताकि आप लोग को जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग पास पहुंच सके और आप लोग देख सकें सीख सकें। तो पीछे का यहाँ देख रहे हैं, पीछे का भी जो है वी शेप में बन चुका है और बाल बियर्ड दोनों एकदम परफेक्ट कटिंग हुआ है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को मिल सके और आप लोग वहाँ देख के आप लोग सीख सकें। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो मिल सके देखने के लिए और सीखने के लिए। थैंक यू।